हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एक ESI मेंबर है और ESI से लीव पर चलते हैं, छुट्टी पर होते हैं, तो ESI से जो छुट्टी के पैसे होते हैं वो कैसे लें, ESI से कैसे क्लेम करें, वो भी खुद बिना कंपनी के अपने मोबाइल से। इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। फ्रेंड, बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश बीमार होने के कारण ESI से छुट्टी पर चलते रहते हैं, चाहे वो 3-4 दिन हो, 10 दिन हो या फिर 15 से 20 दिन हो। तो छुट्टी लेने पर ESI से हमें पैसे मिलते हैं। बहुत से मेंबरों को पता भी नहीं होता है कि ESI से हमें छुट्टी के पैसे मिलते हैं, क्योंकि ESI वाले जो भी हमारी ग्रोथ सैलरी होती है उसका 70-80% हमें पे करती है, जो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। फ्रेंड, पहले क्या होता था कि ESI से छुट्टी के पैसे लेने के लिए ESI के लोकल ऑफिस में जाना पड़ता था और वहाँ जाके अपना काम करवाना पड़ता था, जिसके लिए हमें बहुत बार चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब ESI ने ऑनलाइन ही क्लेम करने के लिए ऑप्शन दे दिया है, जिससे ESI मेंबर खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी छुट्टी के पैसे ले सकते हैं, वो भी बिना कंपनी के, कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि ESI से छुट्टी के पैसे लेने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, वो भी अपने मोबाइल से। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, सबसे पहले हम गूगल पर ESICGOVIN टाइप करके यहाँ नीचे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस पर्सन ओब्लिक बेनिफिक्चरी पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना ESI नंबर और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ESI में अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यह वीडियो देखकर अपना अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका ESI नंबर एक्टिवेट नहीं होगा, पासवर्ड जनरेट नहीं होगा, तब तक आप ESI से कोई भी क्लेम नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर हम इस अलर्ट को क्लोज कर देंगे। फिर सबसे पहले जो भी हमारी प्रोफाइल डिटेल्स होगी वो सारी यहाँ आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है एक एक स्टेप। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है मैटरनिटी बेनिफिट और दूसरा है सिकनेस बेनिफिट, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने जो भी आपकी प्रोफाइल डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सर्टिफिकेट नंबर, बेनिफिट टाइप्स, सब्जेक्ट टाइप, टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, फिर लास्ट में डेट। अब जो ये सर्टिफिकेट नंबर है ये वो होते हैं जो आपके लीव के पेपर पर लिखे होते हैं, लीव के पेपर पर सीरियल नंबर के हिसाब से लिखे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये सर्टिफिकेट नंबर आपको अपने लीव के पेपर से मैच करने होते हैं। फ्रेंड, देखिए ये एक लीव का पेपर हमारे सामने है, इसमें आपको एक सीरियल नंबर दिखाई देगा, इसके आगे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है वही सेम नंबर आपको यहाँ पर चेक करना है। वैसे यहाँ पर जो भी आपके लीव के पेपर होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं, फिर भी आपको एक बार चेक ज़रूर करना है कि वही सेम सीरियल नंबर है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके नीचे सारे बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि इस मेंबर के इतने ही लीव के पेपर है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको डेट टाइप करनी है। डेट में आपको पहले दिन से कौन सी डेट में आप लीव पर थे और लास्ट कौन सी डेट तक आप लीव पर थे, तो आपको पहले की और लास्ट की यहाँ पर डेट टाइप करनी है। जैसे इस मेंबर की 1/2/24 को पहला दिन था और लास्ट 7/3/24 का था, तो यहाँ पर हम पहली और लास्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रॉम डेट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एरो पर क्लिक करके बैक जाना है, जिस मंथ की हमें डेट सिलेक्ट करनी है। देखिए फ्रेंड, पहली डेट अपडेट हो गई है। फिर दोबारा से हम बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लास्ट वाली डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, देखिए दोनों में डेट सिलेक्ट हो गई है।
फिर आपको नीचे एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए, जो भी आपकी क्लेम रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर आपकी रिक्वेस्ट जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है उनके पास पहुंच जाएगी। इसके लिए आप यहाँ नोटिफिकेशन स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ क्लेम के नीचे पेंडिंग विद ब्रांच ऑफिस, मतलब आपकी रिक्वेस्ट ब्रांच ऑफिस से पेंडिंग है। फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको 2-3 दिन के अंदर जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है वहाँ पर आपको एक बार विजिट करना है और उनको बताना है कि मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, कब तक मुझे क्लेम के पैसे मिल जाएंगे। वैसे इसका टाइम होता है 15 से 20 दिन का, 15 से 20 दिन में पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड ऐसे आप अप्लाई करें ऑनलाइन, वो भी बिना कंपनी के, खुद अपने मोबाइल से। और फ्रेंड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड मेरे पास 5-6 मेंबरों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत दिन से कि सर ईएसआई में क्लेम के पैसे कैसे लें, उसके लिए एक वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उन मेंबरों के लिए थी